प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साउथ सिनेमा के सितारों से अच्छा रिश्ता रहा है। 9 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी कई बार साउथ के कलाकारों से मुलाकात कर चुके हैं। कुछ वक्त पहले ही पीएम मोदी ने केजीएफ स्टार यश से मुलाकात की थी और सिनेमा को स्पॉट पावर बताया था। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे पीएम मोदी के फैन हैं, तो कई उनकी आलोचना भी करते हैं। इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री ने साउथ सिनेमा के दिग्गज स्टार यश और कांता फेम ऋषभ शेट्टी के साथ मुलाकात की थी। इस मीटिंग में अभिनेता पुनीत राजकुमार की पत्नी अश्विनी रेवनाथ भी शामिल हुई थी। कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी ने इन सितारों के साथ डिनर भी किया था। मुलाकात के बाद यश ने कहा था, मैं बहुत खुश हूँ, पीएम मोदी ने हमें संयम के साथ सुना और मैंने उनसे उनके सिनेमा के विजन के बारे में बात की। उन्होंने भी हमसे हमारी उम्मीदों के बारे में पूछा, हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या उम्मीद करते हैं, हम क्या क्या सरकार से अपेक्षा करते हैं और हम एक इंडस्ट्री के तौर पर देश के लिए क्या कर रहे हैं। तब यश ने बताया कि वो पीएम मोदी की इंडस्ट्री के ज्ञान से काफी इम्प्रेस हुए। यश ने बताया कि उन्होंने इंडस्ट्री को स्पोर्ट्स पावर बताया है, उनके पास इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा विजन है। उन्होंने हमारे काम की तारीफ की, प्राइम मिनिस्टर हमेशा की तरह इंस्पिरेशनल रहे। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई 2015 को प्रभास से भी मुलाकात की थी। पीएम मोदी खुद उस वक्त मुलाकात की तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया और उन्होंने लिखा, आज बाहुबली प्रभास से मिला। तस्वीर में पीएम मोदी के साथ प्रभास के अलावा उनके अंकल अभिनेता कृष्ण राजू और उनकी पत्नी भी नजर आई। साल 2018 में पीएम मोदी ने एक्टर मोहन लाल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बारे में पीएम मोदी ने ट्विटर में कहा था कि मोहन लाल से उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। मोहन लाल ने पीएम मोदी से मिलने पर बहुत खुशी जताई थी, लेकिन कुछ साउथ सितारे पीएम मोदी और उनके कामकाज को लेकर आलोचना भी करते नजर आए हैं। इनमें सबसे पहला नाम अभिनेता प्रकाश राज का है। प्रकाश राज पीएम मोदी के बड़े आलोचक रहे हैं। वो खुद इस बात को कहते हुए नजर आए हैं, किसान आंदोलन से लेकर CAA और NRC के मामले तक प्रकाश राज लगभग हमेशा ही पीएम मोदी की आलोचना करते हुए दिखे हैं। दिग्गज अभिनेता कमल हसन को समाज से जुड़े मुद्दों पर अक्सर बोलते हुए सुना गया है। कमल हसन कई मुद्दों पर पीएम मोदी की आलोचना भी करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान लगाए देशव्यापी लॉकडाउन के वक्त भी कमल हसन ने पीएम मोदी के फैसले को गलत ठहराया था। बता दें कि कमल हसन खुद भी एक राजनीतिक रह चुके हैं। उन्होंने साल 2018 में अपनी पार्टी मकल निधि म्याम बनाई थी। आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।